अब आज आपको उस भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक देनी है जहां आम आदमी अपनी रक्षा की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन वहीं पर उसकी जान की कीमत के बदले घूसखोरी, रिश्वतखोरी, पैसा वसूली का सौदा कुछ सफेदपोश करते रहे। आज देश की राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से बहुत चौंकाने वाली खबर आई। सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़े हुए दो डॉक्टर समेत 9 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आरएमएल अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पर्वत गौड़ा को सीबीआई ने पकड़ा है। मरीजों की दिल की बीमारी दूर करने वाले कार्डियोलॉजी विभाग के ही प्रोफेसर अजय राज को भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रजनीश कुमार, जो कि आरएमएल अस्पताल की कैथ लैब में सीनियर टेक्निकल इंचार्ज है, गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर यूरोप की ट्रिप पर जाने से पहले मेडिकल उपकरण और दवा संचालकों से रिश्वत के पैसे ले रहे थे, जिसके बारे में सीबीआई को पता चल गया। सीबीआई के अनुसार देश की राजधानी में ही सरकारी अस्पताल के कुछ डॉक्टर, लैब टेक्निकल इंचार्ज, नर्स और दलाल मिलकर एक ऐसा रैकेट देश में चलाते मिले जहां जनता की जान बचाने के नाम पर पैसे लूटने का संगठित गिरोह बनाया गया था। इस बारे में और जानकारी संवाददाता मुनीश पांडे से पहले सुनिए। सीबीआई ने राजधानी दिल्ली में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि न सिर्फ लोगों को लूट रहा था बल्कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहा था। सीबीआई ने इस मामले में दो डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया हुआ है जो कि कुछ कंपनियों से रिश्वत लेकर सिर्फ उसी कंपनी के स्टेंट और उनकी दवाओं को अस्पताल में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा सीबीआई ने एक लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली की एक कंपनी से मेडिकल इक्विपमेंट रिश्वत के बदले अस्पताल को मुहैया करा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीबीआई ने इस मामले में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया था जो बिना रिश्वत लिए किसी मरीज को अस्पताल में एडमिट नहीं करवा रहे थे। और एक ऐसे ही वाकया में एक गर्भवती महिला को 20,000 रुपए ना देने के लिए धमकी दी गई कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो उसके बाद उसे अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाएगा। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाते थे। सोचिए, जो दिल के मरीज अपना इलाज कराने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच रहे थे उन्हें कौन सा स्टेंट लगाया जाएगा, इसको लेकर तक आरोप है कि डॉक्टर घूस लेते थे। सीबीआई के अनुसार 5 तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। इस पर गौर करिए। कुछ खास कंपनी के स्टेंट ही मरीजों को लगाने के बदले घूसखोरी का आरोप। कुछ खास कंपनीज की दवाओं को बढ़ाने के बदले डॉक्टर घूस लेते रहे। पैसे लेकर लैब में खास कंपनी के उपकरण तक को बढ़ावा दिए जाने का आरोप। गरीब मरीजों को भर्ती कराने के बदले भी रिश्वतखोरी का रैकेट सीबीआई को मिला है। साथ ही फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में घूस दिल्ली के इस बड़े अस्पताल में ली जाती रही, ऐसा सीबीआई का दावा है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले इस अस्पताल में एक्शन सीबीआई ने ले लिया, लेकिन सोचिए जब ये सब दिल्ली में हो रहा है तो देश के दूसरे शहरों, कस्बों के अस्पतालों की हालत क्या होगी। जरूरत है कि मेडिकल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हर राज्य में चलाई जाए।